हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सो आज कुछ मैं मैथ वर्कशीट लेके आई हूँ जो कि ग्रेड 3 के बच्चों के लिए है, और बेसिकली ये वर्कशीट डिवीजन रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेस दिस कैंडल्स इक्वली ऑन 3 केक्स। यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स ड्रॉ किया है और यहाँ पे 3 केक्स ड्रॉ किया है। यहाँ हमें इक्वली कैंडल को प्लेस करना है। सो कैसे करेंगे हम? डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चों को इंट्रोडक्शन दे रहे हो या नया नया डिवीजन सिखा रहे हो तो डिवाइड बच्चों को नहीं आता है, तो ऐसे इक्वली शेयरिंग और ये सब सिखाया जाता है। सो हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने फर्स्ट कैंडल यहाँ पे प्लेस कर दिया, सेकेंड कैंडल यहाँ पे प्लेस कर दिया, थर्ड कैंडल यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो दीज 3 आर डन। देन अगेन सेकेंड कैंडल यहाँ पे सेकेंड कैंडल, यहाँ पे सेकेंड कैंडल, दीज 3 आर डन। सो एक एक करके हमने सारी जगह पे दो दो कैंडल्स प्लेस कर दिया। फिर बचे कितने? 3। तो ये वाला यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये थर्ड कैंडल यहाँ पे और ये लास्ट वाला कैंडल यहाँ पे। तो एक 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 में कितने कैंडल्स आ गए? 3, 3, 3। सो हमारे पास था 9 कैंडल्स, इक्वली हमने शेयर किया तो एक जगह पे 3, 3 कैंडल्स आ गए। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ऐसे करके आप समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कि प्ले पुट 16 कप्स इक्वली ऑन 4 प्लेट्स। सो 16 कप से एक एक प्लेट में कितने? तो आप ऐसे एक एक करके रखते जाइए और टिक करते जाइए, ऐसे आप पहले बच्चों को इंट्रो सिखा सकते हैं। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू कंप्लीट दिस डिवीजन। सो हमें क्या करते हैं, डिवीजन से पहले हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। मैं अभी कॉन्सेप्ट ऊपर नहीं जा रही हूँ। अगर आपको चाहिए कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो तो मैं कैसे डिवीजन पढ़ाते हैं ये सब समझा दूंगी एक वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। सो यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू कंप्लीट दिस डिवीजन। सो 15 डिवाइड बाय 3, तो हमें 15 माइनस 3 कर करके अप टू 0 तक जाना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके। सो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 12, 12 माइनस सॉरी 3 इज इक्वल टू 9, देन 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया? ये है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो 5 टाइम्स हमने किया। सो 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके डिवीजन बच्चों को सिखा सकते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप कोई भी नंबर लेके बच्चों को दे सकते हैं। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कशीट पे, जो कि है मैंने यहाँ पे जो डिवीजन सेंटेंस है वो मैंने लिख दिया है 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो इसको जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिसके द्वारा डिवीजन होता है। लाइक 15 डिवाइडेड बाई विच नंबर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं क्वोशेंट। तो मैंने ऐसे बहुत सारे डिविजन्स यहाँ पे लिखा है, हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके कौन सा वाला डिविडेंड है, कौन सा वाला डिवाइजर है, कौन सा वाला क्वोशेंट है, उसको लिखना है। सो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ डी, तो डी में 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। सो डिविडेंड क्या है? 12 है, तो यहाँ पे हमें 12 लिखना है। फिर उसके बाद डिवाइजर क्या है? 4 है, तो यहाँ पे हमें 4 लिखना है। और क्वेश्चन क्या है? 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 लिखना है। ऐसे आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिवाइड बाई 3। सो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या है आंसर? 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे लिखना है। 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू आंसर क्या है? बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हैं ऐसे, 3 मल्टीप्लाई विथ विच नंबर इज इक्वल टू 27, और डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, दोनों वे में होगा। मैंने यहाँ पे डिवाइड के लिए दिया है, तो इस बेटर के डिवीजन की डिवाइड करके ही करने के लिए बोली है बच्चों को, लेकिन अगर कोई मल्टीप्लीकेशन करके करता है बच्चा देन दैट्स ओके। तो ऐसे ही मैंने डिवाइड बाई 5, सो 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2, सो 5 टू जार 10। 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4, सो 5 4 जार 20, लाइक दैट वी हैव टू डू। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द स्क्वायर्स इंटू ग्रुप्स ऑफ 4। तो हमें ग्रुप्स ऑफ 4 मीन्स 4 4 को लेके ग्रुप बनाना है। तो हमें क्या करेंगे पहले, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया ग्रुप नंबर 1, 1, 2, 3, 4। ये हो गया ग्रुप नंबर 2, 1, 2, 3, 4, ग्रुप नंबर 3, देन 1, 2, 3, 4, ग्रुप नंबर 4। सो जितने भी स्क्वायर्स है उसको
फोर फोर करके एक ग्रुप बनाएंगे तो हमारा फोर ग्रुप हो गया. सो फोर फोर जै 16 और 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4. सो ऐसे हम डिवीजन के कुछ दे सकते हैं. यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है. डिवाइड द सर्कल्स इंटू ग्रुप्स ऑफ 5, डिवाइड द स्टार्स इंटू ग्रुप्स ऑफ 3. सो 3 3 करके सर्कल या ऐसे कुछ राउंड या कुछ स्क्वायर बना दीजिए, तो फिर उसके बाद कितने ग्रुप पे काउंट करके आंसर साइड में लिख दीजिए. तो ये था मेरा सेकेंड वर्कशीट. अभी आते हैं हमारे थर्ड वर्कशीट पे, डिवाइड एंड मैच. तो यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन लिख के यहाँ पे साइड में आप आंसर लिख के उसको मैच करना है. सो 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 8 24. 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 5 जर. सो 8 कहाँ पे है, यहाँ पे. तो हमें ऐसे मैच करना है. 5 यहाँ पे है, ऐसे मैच करना है. बाकी आप, बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, पहले आंसर यहाँ पे लिख के फिर मैच करने में इजी रहेगा. अगर माइंड में रखेंगे आंसर तो कन्फ्यूज होके फिर से भूल जाएंगे. सो इट्स बेटर यहाँ पे पहले आंसर लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसको मैच करने के लिए बोलिए. देन हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन 40. सो 40 में कितने फाइव्स है, हम ये टू वेज में कर सकते हैं. एक तो हो गया 40 डिवाइड बाई 5. सो हमें जो भी है आंसर 5 8 40, तो ये ऐसे कर सकते हैं. और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं. लाइक मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, 40 माइनस 5 इज इक्वल टू 35, 35 माइनस 5 इज इक्वल टू 30, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25, 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो 1 कितने टाइम्स ने हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स. सो आंसर वही सेम 8 हो गया. तो डिवाइड करके कर सकते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं. वैसे ही मैंने और एक क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू टेक अवे 6 फ्रॉम 40. टेक अवे मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो 48 को हाउ मेनी टाइम्स वी कैन टेक अवे मीन्स हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. तो ये थे मेरे 3 वर्कशीट्स रिविजन के. आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए. थैंक यू फॉर